दोस्तों जो बाल हैं वो सुंदरता की निशानी है। जिस व्यक्ति की एक बार गंज पड़ जाए वो हमेशा अपने गंज को छुपाता रहता है, और लोग उसको ऐसे बोलते हैं जैसे उन पे सर के ऊपर चंद्रमा उगाया हो। मैंने बहुत जगह देखा है तो लोग उसके हाथ को लगा सिर को हाथ लगा कर बोलते हैं कि चंद्रमा अभी पूरा खिड़ा नहीं है, जरूर खिड़ेगा। तो जिसके साथ जो होता है उसको ही पता है कि उसके दिल पे क्या बीतती है। मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ कि बाल गंज कब आता है। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो दिमागी कमजोरी से होती है, और उसके बाद सिकरी होती है, सिकरी के बाद बाल झड़ते हैं। मैं एक आपको बाल झड़ने के पहले की जो स्टेज है उसकी दवाई बता रहा हूँ, आप उस पर अमल करना। हर हालात में ये दवाई लाभ करती है, बहुत से लोगों ने इसको यूज़ किया है। आपने 3 ग्राम सुहागा ले लेना है, सुहागा जो सुहागा है उसको भुना हुआ लेना है। ये अक्सर माताओं जो बुजुर्ग हैं घर की उनको पता होता है कि सुहागा क्या चीज़ है। ये जो सुहागा है ये बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में काम आता है, और अक्सर लोग इसको खांसी में यूज़ करते हैं। मैंने इसका तजर्बा किया था कि आप 3 ग्राम सुहागा लो, 1 चम्मच सुहागे में नारियल का जो ओरिजिनल तेल है उसको मिक्स कर लो, और 3 चम्मच दही के मिक्स कर लो। इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स करके किसी बर्तन में रख लो। अगर आपको ऐसा लगे कि दही कम है तो आप थोड़ा और डाल सकते हो। 1 घंटा पड़ा रहने दो, उसके बाद बालों की जड़ों में इसको जैसे हम तेल की मालिश करते हैं वैसे सभी जगह लगा लें। जहाँ से बाल झड़ने की आपको संभावना है, सिकरी है, तो वहाँ पे लगा लें। 1 घंटे बाद बिना शैम्पू से बिना साबुन से, मैंने एक पहली वीडियो में आपको फार्मूला बताया था जिसमें अरीठा जो है और आंवले का पाउडर है उन दोनों के बारे में बोला हुआ है, आप उसको सर्च कर लें। तो उसके साथ आप सर धोओगे तो आपके जो सर पे सिकरी है, जो आपके गंजापन की बाल झड़ने की शुरुआत है, वो ठीक हो जाएगी। ना आपके बाल झड़ेंगे, ना सिकरी आएगी, ना गंजापन आएगा।